हेलो गाइस, इसका नाम है क्रोमैन। ये पूरी दुनिया पे कब्जा करना चाहता है, जिसके लिए इसने बनाया है मेगा गॉडज़िला रोबोट। और ये बहुत ही खतरनाक रोबोट है जिसको हराना इम्पॉसिबल है। इसकी मदद से क्रोमैन मील को हरा के अपना गुलाम बनाना चाहता है, क्योंकि मील के पास कुछ ऐसी पावर्स हैं जिसकी हेल्प से वो किसी भी टाइमलाइन के गॉडज़िला को अपने कब्जे में कर सकता है। यानी कि जो मील बोलेगा वही गॉडज़िला करेगा। तो क्रोमैन के रोबोट ने हरा दिया है मील को। अब मील की हेल्प से वो हर टाइम लड़के गॉडज़िला को अपने बस में करके पूरी दुनिया पे कब्जा कर सकता है, अगर हमने उसे जल्दी नहीं रोका तो। गाइज, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो फटाफट वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। फ्रैंकलिन, तुम एक बात बताओ, हम लोग उस क्रोमैन को कैसे रोक सकते हैं इस दुनिया में कब्जा करने से? देख भाई, उसे रोकने का एक सिंपल तरीका है। मील जो है वो गॉडज़िला के दिमाग पे कब्जा करता है, तो वो गॉडज़िला पूरी दुनिया में तबाही मचाएंगे, उसके बाद वो दुनिया पे कब्जा कर लेगा। लेकिन अगर हम लोग सारे गॉडज़िला को एक एक करके मार दें उनके टाइमलाइन में जाके, तो हम लोग इस दुनिया को बचा सकते हैं। हाँ, तेरा प्लान तो अच्छा है फ्रैंकलिन, पर हम उनकी टाइमलाइन में जाएंगे कैसे? क्योंकि हमें पास्ट में जाना है, फ्यूचर में जाना है, हमें अलग अलग टाइम के अंदर जाना पड़ेगा। तो देख, उसके लिए मेरे पास एक गन है। मैं वो गन आयरन मैन से लेके आया था, वो गन तुझे किसी भी टाइम में पहुंचा सकती है कि करके। मैं तैयार हूँ, लेकिन ध्यान रखना, मरना मत और वहाँ जाके पावर इकट्ठी कर लेना, ठीक है? तू वहाँ चला जाएगा, उसके बाद हम तुझसे बात कर पाएंगे। ठीक है, मुझे भेज दो। चलो, मैं रेडी हूँ। चल मेरे भाई, ये ले। 3, 2, 1, मैं चला गया। तो गाइज, आप लोग देख सकते हो, मील की मदद से क्रोमैन ने सारे के सारे गॉडज़िला और मॉन्स्टर्स को अपने कब्जे में कर लिया। अब वो उन्हें अलग अलग टाइमलाइन में भेजेगा ताकि वो पूरी दुनिया पे कब्जा कर सके एक साथ। तो मैं पहुंच गया हूँ ईयर 2014 में, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एक मुझे मॉन्स्टर मिला है। ये है गॉडज़िला फ्रॉगी। हाँ, तो मैं इसे लड़ने के लिए जा रहा हूँ, पर मैं इसे हराऊंगा कैसे मुझे पता नहीं, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा पावर्स नहीं है यार। आप लोग देख सकते हो, इसको आर्मी वालों ने भी घेर के रखा है चारों तरफ से। आर्मी वाले भी इसको मारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई मार नहीं पा रहा है। अब मैं इसको कैसे ख़त्म करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे सुन यार, मेरे पास एक प्लान है तेरे लिए। हाँ बताओ भाई, मेरे पास क्या प्लान है फ्रैंकलिन तुम्हारे पास मेरे लिए? देख भाई, बात कुछ ऐसी है, पीछे मेरे एक टोर्नेडो का पता चला है। वो यहाँ से 15 किलोमीटर दूर एक टोर्नेडो है, तू वहाँ तक इसको ले जा गुस्सा दुला के, और उसके बाद टोर्नेडो में से फंसा के मार दे। तो गाइज, मुझे पता चल गया है, मैंने इसे बुला लिया, गुस्सा दुला लिया। ए बेटे पिद्दू, पिद्दू पिद्दू, मेंढक मेंढक के बच्चे, जल्दी मेरे पीछे आ। तो गाइस, इसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ चुकी है, अब ये मेरे पीछे पीछे आ रहा है। आप लोग देख सकते हो यार, मैं इसको अपने पीछे बुला रहा हूँ, पर गाइस, ये तो इतने सारी आर्मी वालों को मार दिया है गुस्से में। अब मैं यार गाड़ी लेके भागता हूँ यहाँ से फटाफट, और मैं यहाँ से भाग के जाऊँगा सीधा टोर्नेडो के पास, ताकि उसके बीच में इसे फंसा के मार सकूँ। अरे ठोक दी यार, सॉरी सॉरी भाई, सॉरी सॉरी, मैंने तेरा ट्रक कर दिया। अरे भाई साहब, ये तो पूरा ट्रक पलट दिया इनने, ये तो बहुत खतरनाक क्रिएचर है। आप लोग देख सकते हो यार, इतना पावरफुल क्रिएचर हमारे बीच बहुत तबाही मचा सकता है अगर यहाँ पर रुका तो। तो मैं फटाफट यहाँ से चलता हूँ, उसके बाद मुझे बाकी गॉडज़िला और मॉन्स्टर्स को रोकने भी जाना है। यहाँ पे गाइस एक टोर्नेडो छोटा सा है, आगे एक बड़ा टोर्नेडो है, मुझे फ्रैंकलिन भैया ने बताया था मैप में देख के। चलो मैं चलता हूँ आगे की तरफ। अरे भाई साहब, इन्हें पूरा प्लेन भी तबाह कर दिया। अब हम लोग आगे पहुँच रहे हैं, ये रहा वो बड़ा सा टोर्नेडो, अब मैं इसके बीच में से फंसाऊँगा। तो गाइज, मैं अपने इसको फंसाता हूँ, इतना वीडियो को लाइक कर दो ताकि गाइज मुझे आपका सपोर्ट मिल सके और मैं इसको टोर्नेडो फंसा के मार सकूँ। चलो मैं इसको ले जाता हूँ बीच में। अरे भाई साहब, मैं खुद फंस गया यार, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे तो फटाफट गाड़ी से कूदना पड़ेगा। हाँ, अगर मैं गाड़ी से नहीं कूदा, ऐसा ना हो मेरी गाड़ी भी किसी पत्थर से टकरा के फट जाए और मैं भी मारा जाऊँ। मैं फटाफट गाड़ी से कूदता हूँ, क्योंकि मैं पैराशूट लेके आया हूँ इस बार। चलो मैं फटाफट यहाँ से कूदता हूँ, और मैं कूद तो गया हूँ नीचे। अब पता नहीं ये टोर्नेडो में फंसा नहीं फंसा, यार मॉन्स्टर गॉडज़िला फ्रॉगी फंसा नहीं फंसा। अरे आप लोग देख सकते हो यार, ये तो फंस चुका है टोर्नेडो के अंदर, और हमने इसे ख़त्म कर दिया। इसका काम तमाम हो जाएगा थोड़ी देर के अंदर, क्योंकि टोर्नेडो से बाहर निकलना इसके बस की नहीं, नामुमकिन है। तो आप लोग देख सकते हो, हमने इसे हरा दिया है गाइज, और हम चलते हैं आगे दूसरे टाइम में। अब हम जाएंगे गाइज 2050 में, यानी कि 2050 में, वहाँ पे जाके एक और गॉडज़िला को रोकेंगे। तो गाइज, ये है सबसे ज्यादा डेंजरस वाला गॉडज़िला, हमें इसका सामना ना ही करना पड़े, बहुत ही बढ़िया बात होगी। तो भाई, मैं पहुंच चुका हूँ 2050 में, यहाँ पे पता नहीं मैं कहाँ पहुंच चुका हूँ इसमें। यहाँ पर तो पानी पानी में गया। अबे यहाँ तो पानी नहीं, जमीन लग रही है मुझे, पर मुझे कुछ जमीन दिखाई क्यों नहीं दे रही, ये कैसी जादुई जगह है?
पता नहीं मैं कहाँ पहुँच गया हूँ, ये क्या है आसपास। अरे भाई साहब ये क्या हो रहा है यहाँ पर, तो बहुत ही डर लग रहा है मुझे। सामने किंग कॉन्ग गाइस यही वो मॉन्स्टर है हमें जिसे हराना है, पर इसे हराने से पहले गाइस मुझे बहुत लगता है बहुत सारे खतरों का सामना करना पड़ेगा। आगे हम लोग गाइस भाग के चलते हैं फटाफट इसे मारने के लिए, और कैसे मारें हमें समझ में नहीं आ रहा, ये बहुत ही शक्तिशाली है। सामने हड्डियाँ कंकाल खड़े, भाई मुझे बहुत डर लग रहा है, ये तो बहुत सारे हड्डियाँ और कंकाल हैं। अरे इनको मार के देखता हूँ, हाँ ये तो आराम से पिट रहे हैं, इनको सबको मार दो एक एक करके। उसके बाद गाइस हम चलेंगे उस वाले किंग कॉन्ग का कुछ इलाज करने, हमें उसके अंदर से उसे हराना पड़ेगा, वो सामने खड़ा है। पर उससे पहले हमें इसकी हड्डी वाली सेना से भिड़ना पड़ेगा। ये लोग मुझे मार रहे हैं, लगता है गाइस ये भी काफ़ी ताकतवर है, और इनकी तो बहुत बड़ी सेना है, मैं जितने मारता हूँ उससे डबल वापस आ जाते हैं मेरे लड़ने के लिए। अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या मैंने काफ़ी सारों को मार दिया है, अब तो पता नहीं गाइस क्या हो रहा है। ये मौसम भी यहाँ का बाबा चेंज हो रहा है, यहाँ बहुत ही डर लग रहा है मुझे, कभी भी गाइस लाल कभी भी पीला कभी भी हरा नीला हो जाता है यहाँ का मौसम, और ये बहुत डरावना है। यहाँ पर गाइस मीटर शावर भी सो चुका है, आसमान से बहुत सारे पत्थर गिर रहे हैं, हमें गाइस पता नहीं क्या होगा, हम उसे कैसे हराएंगे समझ में नहीं आ रहा। मेरे दिमाग गाइस एक प्लान तो है उस वाले किंग कॉन्ग वाले मॉन्स्टर को हराने का, पर गाइस उसे हराने के लिए हमें आपकी हेल्प चाहिए होगी। पहले मैं जरा इनसे निपट लूँ, ये एक दो हड्डी के महाराज हो रहे हैं, इनसे निपटने के बाद गाइस मैं आपसे बात करता हूँ। अबे हटो सामने से गाइस, जैसे भाग के फ्रॉड कहीं चलते हैं, क्योंकि अब मुझे उसे किंग कॉन्ग को हराना है, मेरा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो चुका है। तो गाइस ये है किंग कॉन्ग, अगर मैं आप चाहते हो हार जाए तो फ्रॉड गाइस वीडियो को लाइक करो, उसके ऊपर एक पत्थर गिर जाएगा, जल्दी गाइस वीडियो को लाइक करो, 3 2 1 गाइस आप वीडियो को लाइक कर दो, हमने इसे हरा दिया है गाइस। तो आप लोग देख सकते हो ये हार चुका है, इस टाइम हमने इस वाले किंग कॉन्ग को हरा दिया है। अब हम इस वाले गॉडज़िला की पावर एब्जॉर्ब कर लेंगे, उसके बाद मैं अपग्रेड हो जाऊंगा इसकी पावर एब्जॉर्ब करते ही। ये देखिए गाइस मैं अपग्रेड हो गया हूँ। अब हम चलते हैं दूसरे वाले टाइम में, यानी कि 1999 में, वहाँ हमें एक और गॉडज़िला मिलेगा। चलो हम गाइस पहुंच चुके हैं यहाँ पे, यहाँ पे इतनी सारी गाड़ियाँ बंद क्यों पड़ी हैं यार, यहाँ पे यार क्या हो रहा है, लगता है यहाँ पे कुछ ना कुछ खतरनाक सा हुआ था, यहाँ पे इतनी सारी गाड़ी टूटी फूटी पड़ी हैं, लगता है गाइस कोई तो आया यहाँ पे, यहाँ का गॉडज़िला मुझे लगा बहुत खतरनाक वाला है। देखो 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 भाई साहब, एक से एक स्पोर्ट्स कार, और इतने सारे लोगों को मार के फेंक दिया रोड पर, वो ये काम तो कोई खूंखार ही कर सकता है। देखो कितने बेरहमी से इतने सारे लोगों को मार दिया है, आप लोग देख सकते हो। अब हम लोग बढ़ रहे हैं आगे की तरफ, और देखते हैं गाइस हमें आगे कौन मिलता है। यहाँ पर कोई नहीं है, पुलिस स्टेशन में पुलिस खड़ी है, देखते हैं इनसे पूछते हैं। अरे भैया बताओ बताओ यहाँ पे क्या हुआ था। अरे भाई यहाँ पे कुछ नहीं हुआ था, एक बहुत ही बड़ा गॉडज़िला आया है, वो सब लोगों को मार रहा है बहुत ही बुरी तरह, एक एक तो चटनी पीस दे रहा है भाई साहब, क्या बताएं आपको, बड़ा डर लग रहा है, वो हमें कब पीस दे पता नहीं। तो गाइज यहाँ पे वो आया है, और अब हमें उसे पकड़ना पड़ेगा, उसे हराना पड़ेगा। लेकिन गाइज मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं भी कुछ पावर्स लेके आया था वहाँ से, अब गाइज मुझे अपनी पावर्स को अपग्रेड करके थोड़ी देर उन्हें यूज़ में लेना है, और फिर मैं इसे आराम से हरा दूंगा। ये देखो गाइज मैं अपनी पावर्स को अपग्रेड कर रहा हूँ, मैं हो जाऊँगा बहुत ही बड़ा। अरे गाइस ये देखो मैं इससे इतना बड़ा हो गया, पर मैं इससे ज़्यादा बड़ा नहीं हो पाया, शायद मैं इसको ना हरा पाऊँ, पर इसे हराने की मैं पूरी कोशिश करूँगा, इसे तो मैं हरा के ही रहूँगा, क्योंकि अगर मैं इसे नहीं हरा पाया तो गाइस हम अपने लोगों को नहीं बचा पाएंगे, और ये पूरी धरती का विनाश कर देगा। अब हमें इसे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। चलो गाइस वैसे मुझे ये पावर्स केवल थोड़ी देर के लिए ही मिली हैं, हाँ केवल कुछ घंटों के लिए मुझे पावर्स मिली है, अगर उन घंटों में इसे नहीं हरा पाता हूँ तो गाइस ये बहुत बुरी बात होगी, और हम इससे हार जाएंगे, हम वापस छोटे से हो जाएंगे, फिर इसे हराना हमारे लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा। तो अभी हम तो इसको हराने का पूरा ट्राई कर रहे हैं, इस पर अपना हर पावर पंच मार रहे हैं, हर पावर यूज़ कर रहे हैं, पर गाइस कैसे एक लेज़र बीम की पावर है जो कि हमारे पास नहीं है। अब गाइस हम इस पर अटैक तो करके ट्राई कर रहे हैं अपना स्मोक अटैक, ये गाइस बहुत ही खतरनाक अटैक है, लेकिन इसको गाइस कुछ हो ही नहीं रहा है, पता नहीं कितना शक्तिशाली है ये, और ये मुझे लगा नहीं था इतना झेल पाएगा। मेरे पास बस एक ही तरह का इस हराने का, मुझे लग रहा है मुझे इसके अंदर आग लगानी पड़ेगी, क्योंकि मैंने सुना था गाइस कि गॉडज़िला आग से डरते हैं, और ये वाला गॉडज़िला गाइस आग से जल सकता है, तो मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, मैं पहले अपनी बॉडी पर आग लगाता हूँ, फिर इसके जाके चिपक जाऊँगा इससे, तो इसकी बॉडी में भी आग लग जाएंगी, क्योंकि गाइस हमारे थोड़ा सा टाइम बचा है, हम थोड़ी देर में नॉर्मल होने वाले हैं, उतनी देर में हमें इसे हराना ही पड़ेगा, वरना गाइस बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो सकती है इस टाइम। हम क्या करें हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसको हराते हैं। हाँ आप इसे हरा दो, आप इसे हरा सकते हो, मुझे पता है यार, गॉडज़िला भैया हरा दो इसे। हाँ गाइस अब मैं इसे हराने के लिए अपने सही में आग लगा के इसके ऊपर कूद जाऊंगा। ये देखो गाइस
अब मैं अपने अंदर आग लगाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो गाइस मैं आग लगा के इसके अंदर कूद गया हूँ। अब मैंने इसके अंदर आग लगा दी, ये हार जाएगा, इसे गाइस मैंने हरा दिया है। अब जो इसके अंदर से एनर्जी है उसको मैं एब्जॉर्ब कर लूँगा। ये इसके अंदर की एनर्जी, हमने गाइस की एनर्जी पूरी एब्जॉर्ब करने के लिए रेडी हो गए। हमने इसकी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली है, अब हम और पावरफुल बन चुके हैं। अब हमें कोई दूसरा गॉडज़िला नहीं हरा पाएगा, अब हम चलते हैं कहीं और। ये है गाइस 1950, यहाँ पे मैं पहुँच गया हूँ। अब देखते हैं यहाँ पे वो भयंकर वो खड़ा तो है गॉडज़िला, अब इसको मैं कैसे हराऊं, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। गाइस आपको नहीं पता इसके दांत बहुत नुकीले होते हैं, और इस वाले की जो पूंछ होती है ना, ये पूंछ से किसी को भी पकड़ के उसे दम घोट के उसे मार सकता है थोड़ी देर में। ये सबसे ज़्यादा खतरनाक वाला गॉडज़िला है, कैसे हराऊं इसे? ए आगे जो भी आने की कोशिश करे ना, जो भी तुझे ड्रैगन गॉडज़िला कुछ भी दिखाई दे, गोली मार दे साले को। गाइज यहाँ पर तो पुलिस ने बंदी बना रखा है, शायद हमें जरूरत नहीं पड़ेगी इसे मारने की, क्योंकि पुलिस ने इसे पहले ही संभाल लिया। अब मैं यहाँ से चलता हूँ फटाफट। अरे भाई ये क्या हो रहा है, समय पर गोली की चला रहे हैं ये, सब के समझ पर हमला कर रहे हैं। इन्हें लग रहा है गाइज मैं भी नुकसान पहुँचाने आया हूँ इन्हें, पर गाइज इन्हें नहीं पता कि मैं एक अच्छा वाला ड्रैगन हूँ। अब मैं क्या करूँ, यहाँ से जाऊँ कैसे? ये पुलिस की गाड़ी खड़ी है, इसे ही लेके भागता हूँ, वरना ये लोग मुझे मार देंगे, क्योंकि लोग गोली लगातार मेरे पे बरसा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके से अटैक कर रहे हैं मेरे पे। यहाँ से भागता हूँ मैं फटाफट वाली गाड़ी लेके, अब मुझे लोग पकड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि गाड़ी तो मेरी ड्राइविंग तो बस्त है मेरी, एकदम धांसू ड्राइविंग करता हूँ मैं। चलो चलो हाँ, आप बच के भागो यहाँ से, वरना ये लोग आपको मार देंगे। हाँ तुम सही कह रहे हो सिंचैन, मैं यहाँ से फटाफट बच के भागता हूँ। और देखते हैं गाइज अब हम क्या करते हैं इसके बाद, और हम बात बच के जाए कहाँ यार, समझ में नहीं आ रहा। अब मुझे बहुत डर लग रहा है, मिलिट्री वालों गाइज ने एक गाड़ी के टायर पंचर कर दिए हैं, अब पता नहीं गाड़ी कितनी दूर तक भाग पाएगी। गाइज बस दो टायर और बचे हैं, दो टायर पंचर हो चुके हैं मेरी गाड़ी के, बड़ी मुश्किल से मैं इसे भगा पा रहा हूँ, ये मुझे कंट्रोल नहीं हो रही है, फिर मैं इसे भगाने की पूरी ट्राई कर रहा हूँ। अब तो मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है, अगर मैं रुक के इन लोगों ने पकड़ लिया तो गाइज मुझे मार देंगे। अरे अरे गाइज बैक करना पड़ेगा, इन्होंने गाइज मुझे दोनों तरफ घेर लिया है, अब क्या करूँ मैं, समझ में नहीं आ रहा मुझे, यहाँ से भागने का ट्राई कर रहा हूँ। अरे यार ये क्या हो रहा है, इन लोगों ने मुझे हर तरफ से घेर लिया है, क्या हो गया? आगे से मिलिट्री गाड़ी खड़ा गई, उसके हाथ में लॉन्चर है गाइज, उसके पास लॉन्चर है, शायद से मुझे लॉन्चर से उड़ा ना दे। यार इस वाले ने मुझे लॉन्चर से उड़ा दिया है। अरे भाई साहब ये तो बहुत ही खतरनाक वाला अटैक थे, ये लोग मुझे मार रहे हैं, मुझे यहाँ से बच के जाना पड़ेगा, इन्होंने मेरी गाड़ी को फोड़ दिया है। अब मैं यहाँ से बच के पैदल भागता हूँ, और जल्दी मुझे दूसरी जगह पे जंप कर मारना पड़ेगा। हाँ गाइज हमने सारे गॉडज़िला को रोक दिया है उनके अलग अलग टाइमलाइन में जाके, और अब गाइज हमें जाना है वापस अपनी वाली टाइमलाइन में जहाँ से हम आए थे, जिसमें गाइज मील है, ताकि हम मील को गाइज आज़ाद कर सकें क्रोमैन के चंगुल से। और मील आज़ाद होने के बाद किसी भी गॉडज़िला को भी कंट्रोल में नहीं कर पाएगा, फिर हम उसे एक जंगल में छोड़ आएंगे जहाँ पर उसे कोई कभी दोबारा ढूंढ नहीं पाएगा, और क्योंकि बहुत ज़रूरी है। पर पहले मैं यहाँ से बच के भागूँ, क्योंकि आप देख सकते हो यार हीरो मुझ पर ज़्यादा फायरिंग कर रहे हैं, मुझ पर गोलाबारी मिसाइल हर चीज़ का यूज़ किया जा रहा है, पर मुझे हार नहीं पाएंगे। मैं यहाँ से फटाफट भागता हूँ, अपनी एक पावर यूज़ कर लेता हूँ उनके खिलाफ। वैसे मुझे पुलिस वालों से पंगा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक है, इनके पास ऐसे ऐसे हथियार होंगे जो मुझे कुछ पल में ही मार सकते हैं। पर फिर भी गाइस यहाँ पर रुकना मेरे लिए खतरे से खाली नहीं है, मैं यहाँ से फटाफट उड़ के चलता हूँ, अपनी सारी पावर्स इकट्ठी करता हूँ और चलता हूँ यहाँ से, इससे पहले लोग मुझे जान से ही मार दें। चलो मैं यहाँ से फटाफट लेके चलता हूँ इन सब को। अरे भाई साहब गाइस मैं अपनी पावर इकट्ठी कर रहा हूँ, और मुझे टेलीपोर्ट करना अपने प्रेजेंट टाइम में, या टेलीपोर्ट करके मुझे और एनर्जी चाहिए, और एनर्जी इकट्ठा कर रहा हूँ मैं। चलो गाइस फटाफट यहाँ से चलते हैं, मैंने गाइस बहुत सारी एनर्जी इकट्ठा कर ली है, अब मुझे बस थोड़ी सी स्पीड पकड़नी है टेलीपोर्ट करने के लिए। तो गाइस टेलीपोर्ट करके मैं एकदम तैयार हूँ, मैंने कर लिया टेलीपोर्ट, मैं पहुँच चुका प्रेजेंट टाइम में जहाँ पर मील है, और गाइस मील को यहाँ पर पकड़ के रखा है क्रोमैन के लोगों ने, यहाँ पर सारे गाइस क्रोमैन के लोग हैं, अब मैं इनमें से किसी को छोड़ने वाला नहीं हूँ। ए तू क्रोमैन को जानता है, क्या कर रहा है वे, हट यहाँ से। गाइस मुझे लगा गाइस मुझसे डर नहीं लग रहा, ये मुझे हल्के में ले रहा है, इसको मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, मुझे जो हल्के में लेता है उसकी तो मैं चटनी पीस के रख देता हूँ। चलो चलो यहाँ पर गाइस हेलीकॉप्टर भी खड़ा है, इसको गाइस इसमें कोई नहीं है, आसपास मुझे मील दिखाई नहीं दे रहा, मील को कहाँ कैद कर रखा है बता मुझे, ये तो मर गया एक बार में ही। अरे गाइस मील मुझे मिल नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ करा कैद उसे, ऐसे गाइस मुझे वहाँ से कुछ सुनाई दे रहा है, ये गाइस मील को इन्होंने यहाँ पर कैद कर रखा है। यार हम लोग मील को आज़ाद करवाने आए, हमें गाइज मील को आज़ाद करवाना पड़ेगा, आज़ाद के लिए गाइज हमें इस नीचे गाइज एक मशीन है उसे ऑफ़ करना पड़ेगा, और उस मशीन को ऑफ़ करने के लिए मुझे नीचे के सारे लोगों को मारना पड़ेगा। मील मैं तुम्हें आज़ाद करवा के रहूँगा। चलो गाइज चलते हैं मील को आज़ाद करवाने के लिए, नीचे वाली मशीन को ऑफ़ करने के लिए।
पर गाइस ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, हमें इसे वापस जंगल में भी छोड़ के आना पड़ेगा ताकि क्रोमैन इस तक दोबारा ना पहुंच सके। तो गाइस मैं यहाँ आ चुका हूँ, मुझे इन सारे लोगों को मारना पड़ेगा तभी गाइस हम उसको आज़ाद करवाएंगे। ये गाइस अपना क्रोमैन, इसको मैंने ठिकाने लगा दिया है, क्रोमैन को, ये क्रोमैन का आदमी है, इसको भी हमने ठिकाने लगा दिया है। तो गाइस हमने करवा दिया मील को आज़ाद, अब मील को हम छोड़ के आएंगे वापस जंगल में। और गाइस हम लोग जीत चुके हैं मिशन, आप लोग देख सकते हैं हमने मील को आज़ाद कर दिया है। तो इसी बात पे गाइस एक वीडियो पर लाइक बनता है और गाइस चैनल पर सब्सक्राइब भी कर देना। हाँ गाइस जल्दी वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और गाइस कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी, फटाफट कमेंट भी कर देना गाइस।